हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डबल के पेज। तो इसमें मैं आपको दोनों तरीके के डबल के पेज बना दूंगा, ऊपर से लड़ाने के और नीचे से लड़ाने के, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और ये हमारा पहला पेज, इसको हम बोलेंगे ऊपर से। तो ये अगर हमारी पतंग है, ठीक है, और ये अपोनेंट की पतंग, ठीक। तो ये अगर पेज ऊपर से, ये देखिए ये डोरी ऊपर से गई है और ये डोरी इधर से नीचे से निकल गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की पोजीशन रहती है डबल के पेज में। अब मैं आपको बता देता हूँ करके कि किस तरीके से डबल के पेज में पोजीशन रहती है, ठीक है। सपोज ये आपकी पतंग है। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेज होते हैं मोस्टली मैदान से लड़ाने के लिए होते हैं। आप जो है अगर चाहें तो छत से भी बहुत अच्छे से डबल का पेज लड़ा सकते हैं। लगभग 400 मीटर से ऊपर के पेजों में डबल का पेज सही रहता है। और अगर छोटा पेज लड़ाएंगे आप तो उसमें डबल का पेज सही नहीं रहता है, क्योंकि छोटे पेज में क्या होता है, ये डोर जो होती है आपकी मोस्टली बहुत ही कम झोल होता है इसमें, मतलब थोड़ी सीधी रहती है, ठीक है, और तेज़ हवा में सीधी रहती है, ठीक है। और लंबा पेज होगा, अगर हवा तेज़ भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये झोल आपका बना रहेगा बहुत अच्छे से। तो ये झोल जो है ये काम आता है, मतलब ये जो कर्व होता है ये डबल के पेज का समझ लो यही चीज़ है जो डबल का पेज बनाती है, ठीक। अगर डोरें सीधी सीधी रहती तो डबल का पेज कभी नहीं बन पाता। तो अब देखो क्या है कि डबल का पेज क्या होता है, अगर आप ऊपर से हैं, ये नीली वाली पतंग आपकी है, ठीक है, तो अगर ये नीचे वाला बंदा अपोनेंट इस तरीके से तिरछी खींच मारेगा, ठीक, या सीधी खींच मारेगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले बंदे को पतंग को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ घुमाना है और एकदम सही टाइमिंग पे, सही टाइमिंग पे पतंग का मुड्ढा ऊपर करके और एकदम सीधा ऊपर की तरफ खींच लेना है। चाहे तो हल्का तिरछा खींच लीजिए या एकदम सीधा ऊपर की तरफ खींच लीजिए, कुछ इस तरीके की पोजीशन रहती है। तो ये ऊपर से डबल का पेज बन जाता है और आप पूरी जान से स्पीड में खींचेंगे, मतलब कि इस नीचे वाले से खींच आपकी तेज़ होनी चाहिए तो आप इस पतंग को काट लेंगे, ठीक है। इसमें ये भी पोजीशन होती है कि अगर मान लो बंदा जो है कि घुमा रहा है, वो खींच नहीं मार पाया, तो और अच्छा रहता है डबल के पेज में कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है एकदम से, ठीक है, आप गए नीचे से, आपने पतंग को घुमाया हल्का सा और ऊपर की तरफ लिया और पूरा ऊपर की तरफ सीधा खींच दिया, ठीक है। तो इसको भी डबल का पेज बोलते हैं, बहुत बढ़िया होता है ये, ठीक। अब सपोज नीचे से, अब मैं बताता हूँ आपको कि नीचे से आप डबल का पेज कैसे बनाएंगे। तो नीचे से डबल के पेज में ये होता है, जब भी ऊपर वाला बंदा क्या करेगा, तिरछी खींच मारेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पतंग का मुड्ढा भी तिरछा रखना है इस तरीके से, ठीक। जैसे ही वो तिरछी खींच मारेगा आपको रुकना है थोड़ा सा, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे एकदम नीचे की तरफ ये बैठाना है। तो उससे क्या होगा, पोजीशन ये आ जाएगी एकदम, जब वो खींच मारता चला जाएगा ये, और आपकी पतंग ये होगी तो आपको एकदम नीचे की तरफ ये स्पीड में खींच मारनी है यहाँ पे। तो इससे ये नीचे से डबल का पेच हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी ऊपर से कोई बंदा जब भी चलेगा ये इस तरीके से, आपको क्या करना है, आपको भी नीचे की तरफ खींच मारनी है, तो पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पेज होता है। तो ये एक्सट्रीम है, इन द सेंस कलाकारी है पूरी, और ये कलाकारी वाले पेज लड़ाने में बहुत मज़ा आता है, आप लड़ा के देखें। और जितना लंबा पेज होगा उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, आप चाहें तो छोटे पेज में भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें एकदम टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर सपोज क्या हुआ कि ऊपर से बंदा खींच मार रहा है स्पीड में, आप हल्का सा भी लेट हो गए, आप इस तरीके से नहीं नीचे की तरफ दबा पाए उसकी पतंग, तो वो खींच के ले जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें जिसकी स्पीड तेज होती है वो काट लेता है, ठीक है। तो यानी कि अब आप कहोगे कि अगर हम ऊपर से पेज लड़ा रहे हैं डबल का, ठीक है, और हमारी पतंग नीचे वाली है, हमने इस तरीके की खींच मारी, ठीक है, दूसरे बंदे ने डबल का पेज बना दिया इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो हमें क्या करना है, ठीक है, कि ताकि हम उसकी पतंग काट दें। तो हमेशा याद रखो, जब भी खींच मारोगे आप तो आपकी खींच जो है एकदम टाइमिंग पे ऐसी होनी चाहिए कि वो डबल का पेज ना बना पाए। इन द सेंस जब भी वो इस तरीके से खींच मारे उससे पहले ही आप खींच मार के ले जाओ स्पीड में, ठीक है, और आपकी स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि उसका डबल का पेज काम ही ना करे, वो 100% कट जाएगा, क्योंकि सब स्पीड का खेल है। जैसे ही स्पीड जो होती है S1 इज़ ग्रेटर देन S2, यानी कि जैसे ही स्पीड तेज़ होगी आपकी तो आप जो है आसानी से पतंग को काट लोगे, और आपकी पतंग जो है ऐसा भी ना हो बहुत हल्की पतंग हो, मतलब बराबर की पतंगें होनी चाहिए या आपकी पतंग भारी होनी चाहिए दूसरे बंदे से, तो आप आसानी से उसके डबल के पेज को काट दोगे नीचे से तिरछी ही खींच मार के, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। अब क्या है देखो, अब जैसे नीचे से बंदा है, ठीक, अब नीचे से आप हो सपोज, अब आप जो है इधर से क्या कर रहे हो, जैसे ऊपर से कोई बंदा तिरछी खींच मार रहा है,
सॉरी अगर नीचे से अपोनेंट बंदा जो है वो डबल का पेज बना सकता है, तो आप ऊपर से स्पीड जो है इतनी तेज़ मारो और एकदम मौके पे मारो कि वो नीचे दबा ही ना पाए। बस यही तरीका होता है इनको काटने का। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो डबल का पेज बना रहा है तो वो हमेशा ही आपकी पतंग काट लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि टाइमिंग पे मारो, क्योंकि सब टाइमिंग का खेल है इसमें, टाइमिंग और स्पीड का खेल है, ठीक है। और आपकी पतंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो तरीके हैं दो, नीचे से और ऊपर से, अगर ऊपर से हो आप तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर जाना है इस तरीके से और थोड़ा वेट करना है, जैसे ही वो ऊपर उठाएगा पतंग उठा के देगा तुरंत आपको नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेना है सीधे, ठीक है। और सीधी सी बात है, नीचे से कैसे डबल का पेज बनाया जाता है, नीचे से जैसे कोई बंदा अगर वो सीधा गद्दा मारेगा तो याद रखना तो आपको तो फिर आप पट मार के काट सकते हो उसकी पतंग, ठीक है। और अगर कोई बंदा तिरछा मार रहा है तो डबल का पेज बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे ही तिरछा मारेगा आपको सीधे पट मारना है एकदम नीचे की तरफ, थोड़ा सा तिरछा मुड्ढा बना के, तिरछा मुड्ढा बना के ये मारोगे एकदम, ये डबल का बन जाएगा पूरा और बहुत बढ़िया तरीके से आप काट दो। ये पेज लड़ाने में बहुत मज़ा आता है कि ऊपर से कोई बंदा इस तरीके से तिरछा गद्दा मार रहा है और आप जो है सीधे एकदम तिरछा आप भी गद्दा मार दे रहे हो इस तरीके से, और बहुत उम्दा पेज लड़ता है ये, बहुत मज़ेदार तरीके से काटते हो आप, ठीक है। तो नीचे से हमेशा याद रखो, जब भी कोई इस तरीके से तिरछा मारे आप तुरंत नीचे की तरफ दबाओ, ये नहीं है कि सीधे सीधे ऐसे खींच लो, नीचे की तरफ दबाना है आपको, ठीक है। ये पेज आप लड़ा के देखें बहुत अच्छा होता है। और ऊपर से हो आप तो ऊपर से भी यही है, जब भी कोई बंदा नीचे से तिरछा खींच मारे तो आपको भी ऊपर की ही तरफ तिरछा या फिर एकदम से कुंडा बना के सीधा मार लेते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग कुंडा बनाना बोल देते हैं और गर्दन काटना ही बोल देते हैं कि जैसे ये पतंग है तो आपकी पतंग अगर ऐसी है तो आपने इस तरीके से घुमा के उसकी मुंडी पकड़ ली, ठीक है, मतलब इस तरीके से घुमा के कुंडा डाल दिया, ठीक। ऐसे वो ऊपर की तरफ खींचेगा आपने क्या कहा कुंडा डाल दिया, यानी कि इस तरीके से कुंडा डालना बोल देते हैं इसको, ऊपर की तरफ उसकी मुंडी खींच ली, है ना। तो ये पेज लड़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये पेज अगर आप लड़ाना जान जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा पतंगबाजी में। और भी तरीके के पेज के वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ डबल का पेज, और हो सकेगा तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल वीडियो डाल दूँगा इसमें लास्ट में, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम डबल का पेज लड़ाते हैं ऊपर से और नीचे से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत ही बढ़िया पेज है, देखने इसको आप ध्यान से, इसमें देखो ब्लू कलर से नीचे से है और ऊपर से है रेड कलर वाली पतंग, दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया पेज है ये भी, ऊपर से तेरे रखा उसने तो तिरछा खींचा, इन्होंने तो डबल का पेज बना दिया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पेज काटा, एकदम पतंग को घुमा के एकदम ऊपर की तरफ निकाल दिया ऊपर वाले बंदे ने, और ये चाणक्य भाई लड़ा रहे थे। और ये नीचे से डबल का पेज है, तो इसमें क्या करना होता है, अगर ऊपर से बंदा तिरछी खींच मारेगा तो आपको भी नीचे से तिरछी खींच बाहर की तरफ मारनी होती है। इसमें रेड वाली नीचे से मेरी पतंग है, ये बहुत बढ़िया पेज होता है ये, आप लड़ा के देखना मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। ऊपर से बंदा देखो एकदम नीचे की तरफ मारेगा, मैं भी एकदम नीचे मार दूंगा, ये देखो मैंने नीचे की तरफ मार दिया स्पीड में, इसमें आपको दिखा नहीं लेकिन फिर भी मैंने इसकी पतंग काट दी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, जब भी वो तिरछी खींच मारेगा नीचे की तरफ तो आपको भी नीचे की तरफ तिरछी खींच मारनी है। हर तरीके से काट देता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेज से ही होना चाहिए। ब्लैक कलर वाली ऊपर से है, रेड वाली नीचे से है, और यहाँ पर देखो हम उसके अंदर चले, ठीक है। उसने देखो पतंग रखी, और ये भी पेज थोड़ा लंबा लड़ेगा, पूरा दंगल होगा यहाँ पे पूरा। बहुत ही अच्छे अच्छे पेज हैं, आप देखें आराम से। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कैसे लड़ाया जाए, ये बहुत ही बढ़िया पेज है, इसको आप देखना, बहुत उम्दा पेज है ये। ये डबल का पेज बनाने की कोशिश करिए मेरे अपोनेंट ने, ये देखो उसने देखो ऊपर की तरफ मारा था तिरछा, डबल का पेज बनाने के लिए हम भी
कम नहीं था, हमने भी पूरी जान से खेच मार दी स्पीड में। तो इसमें यही होता है, जब भी कोई बंदर डबल का पेज बनाने की कोशिश करता है तो आप नीचे से और तेज खेच मारने की कोशिश करो।